स्मृति ईरानी पर भद्दे कमेंट करने वालों को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नसीहत दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से ऐसा ना करने के लिए कहा। राहुल ने लिखा कि हार जीत जीवन में लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि स्मृति ईरानी जी या किसी अन्य नेता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई अपमानजनक या भद्दी टिप्पणी ना की जाए। किसी का अपमान करना या किसी को नीचा दिखाना यह शक्तिशाली होने का नहीं कमजोर होने का प्रदर्शन करना है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता के इस पोस्ट पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोगों ने राहुल गांधी के इस व्यवहार की तारीफ की, वहीं बीजेपी ने राहुल पर ही उल्टा पलटवार कर दिया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा, ये अब तक का सबसे धूर्तता भरा संदेश है। कांग्रेस नेताओं का भेड़ियों के झुंड की तरह उस महिला पर हमला करने के बाद जिसने उन्हें अमेठी में हराया और उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। ये सब बकवास इस तथ्य से पर्दा नहीं उठाती कि श्रीमती स्मृति ईरानी ने बालक बुद्धि को अमेठी छोड़ने के लिए मजबूर किया। अमित मालवीय के पोस्ट पर कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। रोहिणी आनंद नाम की यूजर ने लिखा, आपके पालन पोषण और राहुल गांधी के पालन पोषण के बीच का अंतर स्पष्ट है मालवीय जी, मुझे आपके लिए दुख हो रहा है। अरविंद नाम की यूजर ने लिखा, राजनीति की सबसे बुनियादी जानकारी रखने वाला व्यक्ति आपको बता सकता है कि यदि कांग्रेस का एक आम आदमी स्मृति ईरानी को हरा सकता है तो आरजी उसे आसानी से हरा देते। अनिल जयहिंद नाम की यूजर ने लिखा, जाओ महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, बाबा नानक, महात्मा गांधी, बाबा साहेब का अध्ययन करो, तभी आपको ट्वीट समझने की समझ आएगी। बता दें, बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा क्षेत्र से हरा दिया था, जिसके बाद से वो लगातार कांग्रेस के निशाने पर हैं। अब जब अमेठी में 2024 लोकसभा चुनाव में ईरानी को हार का सामना करना पड़ा तो कांग्रेसी नेताओं ने भी शब्दों के तीर और ज्यादा पैने कर दिए। कांग्रेस नेताओं ने उनको घमंडी और ना जाने क्या क्या कहा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो अपने शब्दों की मर्यादा को तोड़ते हुए चुनाव के दौरान ईरानी को मानसिक रूप से विक्षिप्त तक कह दिया था। उन्होंने कहा था कि स्मृति ईरानी जी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द उनकी दिमागी इलाज कराया जाए। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले स्मृति ईरानी को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। यहां तक कि जब राहुल गांधी ने अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ना चुना तो पूरी भाजपा ये सीट जीती हुई मानकर चलने लगी, लेकिन जब नतीजे आए तो ईरानी ये सीट हार चुकी थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। हार के बाद जब ईरानी से पूछा गया क्या आप खरीदा हुआ घर बेच देंगी तो उन्होंने कहा था मैं अमेठी से कभी नहीं जाऊंगी। हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने लगातार ईरानी पर जुबानी हमले किए थे, हालांकि तीर दोनों तरफ से चले थे। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों ही तरफ से तेज जुबानी जंग देखने को मिली थी।